हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि इनके अंदर जो है डक्ट जो है वो मौजूद नहीं होती। Their secretions are known as hormones. इनके जो secretions होते हैं उनको हम hormones बोलते हैं, and these are secreted directly into the blood. अगर हम इनके secretions की बात करें, जो हमारी endocrine gland है जिनको हम ductless gland बोलते हैं, इनके जो secretions होते हैं उन्हें हम hormones बोलते हैं, और ये जो secretions होते हैं वो directly जो है blood में क्या होते हैं, secrete होते हैं। दी हॉर्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो जो हॉर्मोन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड आपका जो है जो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, पेप्टाइड हॉर्मोन फॉर एग्जांपल इंसुलिन। स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन, और अगर एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें हमारे आ जाते हैं टायरोसिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। सो ये क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो चलिए हम आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें जो है क्लियर होना चाहिए फंक्शंस की क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं वाइटल फंक्शंस को। सो हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उनमें क्या मदद करते हैं, ये उनमें मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजरी। अगर आपने जो है एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन के बारे में सुना होगा, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फाइट और फ्लाइट में जो है हमारे रिलीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम करने में। सो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और उनके जो सिक्रेशंस होते हैं जिनको हम हॉर्मोन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं टू स्ट्रेस एंड इंजरी, साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो अगर हम जो है बात करें ह्यूमंस की, तो उसमें क्या है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले जो है ये जो है एक ब्यूटीफुल इमेज से आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है कि अगर हम उसकी जो है बात करें तो ये रेगुलेट करता है बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स को। और अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो ये दो तरह का जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये दो तरह के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, एक रिलीजिंग हॉर्मोन्स और एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन। जो रिलीजिंग हॉर्मोन है वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, और जो इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। सो अगर हम बात करें जो हमारा क्या होता है गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम जो है क्या बोलते हैं GnRH, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रॉफिन्स, जो कि जो है ग्रोथ हार्मोन में भी जो है मदद करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोमैटोस्टैटिन हार्मोन की, जो कि हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस होता है, वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जो रिलीज़ है उसको जो इनहिबिट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से, तो वो क्या करता है, वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है इसमें मदद करता है। साथ ही साथ आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस से आ रहा है, और वो किस पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वहाँ से क्या है वो ग्रोथ हार्मोन पे क्या करता है, एक्ट करता है। अब आप देख सकते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो वर्क करता है किसके ऊपर, जो हमारी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके ऊपर। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से कितने कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो ज़्यादातर जो है रिलीजिंग का वर्क करते हैं, और वहीं जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो स्टिमुलेशन का वर्क करती है। सो अगर हम बात करें थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की, तो ये जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करती है
जब ये जो है हमारे थायराइड ग्लैंड पे जो है वर्क करता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, और जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वहाँ से दो हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं, एक हमारा T3 और एक हमारा होता है T4। तो जो T3 हार्मोन है उसे हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो T4 हार्मोन है उसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की। ये जो है ये वर्क करता है जो हमारी एड्रिनल्स होती हैं उनके ऊपर, यानी कि जो किडनी के एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ पर ये जाके वर्क करता है। अगर हम बात करें फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ये वर्क करती है ओवरीज और टेस्टिस पे। ओवरीज से जो है हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रेडल और प्रोजेस्टेरोन, और जो टेस्टिस है वहाँ से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है। सेम आप जो है इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में जो है आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो हमारे देखिए दिस इज़ पिट्यूटरी स्टॉल्क। पिट्यूटरी स्टॉल्क क्या है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक स्टॉक के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं, उसे ही हम पिट्यूटरी स्टॉल्क बोलते हैं। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हमारे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि वर्क करती है थायराइड ग्लैंड पे, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स जिसमें हमारे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाते हैं वो वर्क करते हैं ओवरी और टेस्टिस पे। उसके बाद हमारा आता है प्रोलैक्टिन जो वर्क करता है मेमरी ग्लैंड्स पे। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो कि मदद करता है बोन में, और जो मतलब हमारी बोन होती है उसकी ग्रोथ में। उसके बाद हमारे आता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करता है। जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक हमारा होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन जिसे हम ADH और वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये वर्क करता है किडनी के ट्यूब्यूल्स पे जाकर। और जो हमारा दूसरा हार्मोन रिलीज होता है पोस्टर पिट्यूटरी से उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो जो हमारी यूट्रस की मसल्स होती है वहाँ पे जाके वर्क करता है, और इसे जो है हम लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है प्रेगनेंसी में जो मिल्क है उसको ओजिंग आउट करने में जो है मदद करता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड की, क्योंकि अब जो है हम वन बाय वन इसमें क्या है, इसमें जस्ट हमने एक ओवरव्यू लिया कि क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा फास्ट रहा है। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड की कि क्या होती है, कहाँ से रिलीज़ होती है, किस तरह से मिलके बनती है, उस सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। सो अगर हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बात करें, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द डाइएन्सेफेलोन। सो अगर हम बात करें डाइएन्सेफेलोन ऑफ द ब्रेन, डाइएन्सेफेलोन का मतलब होता है कि थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस से मिलकर बनने वाला। तो डाइएन्सेफेलोन का मतलब है कि ये जो है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना पोर्शन है जिसे हम डाइएन्सेफेलोन बोलते हैं। फॉर्मिंग द फ्लोर एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, इट एक्टिवेट्स कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट द पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है, और जो हमारा पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करता है। साथ ही साथ एंडोक्राइन प्रोसेस को और बहुत सारी सोमेटिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, एपिटाइट, इन सब को जो कंट्रोल करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के फंक्शंस को। स्पेशलाइज न्यूरोन क्लस्टर्स कॉल्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ADH एंड ऑक्सीटोसिन। सो अगर हम बात करें जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड न्यूरोन क्लस्टर्स होते हैं जिनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस करते हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन। और अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है क्लस्टर्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इनको जो है हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, डैट इज़ NUCLEI, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ द न्यूक्लियाई। सो उसको जो है हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हम बात करें ADH डैट इज एंटी डायरेटिक हॉर्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टोर्ड होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सो दिस इमेज से जो है आप समझ सकते हैं कि क्या जो है लोकेशन है। सो यहाँ पर जो है हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो सिचुएटेड होता है।
नाउ इसी में से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये दिस इज स्टोल्क। स्टोल्क क्या होता है? स्टोल्क जो है हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिसे हम सैला टर्सिका बोलते हैं, और ये जो है हाइपोथैलेमस से अटैच होती है बाय अ स्टोल्क। सो दिस इज़ अ स्टोल्क, क्यों? क्योंकि ये जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से इसके थ्रू जो है कनेक्टेड रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है एंड दिस इज़ आर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। And here you can see this is the brain and this is the hypothalamus and this is the pituitary gland. Now बात कर लेते हैं pituitary gland की। It is known as master gland in the body. जैसे कि आप सबको पता होगा pituitary gland को क्या है, हम master gland भी बोलते हैं। It is also called as hypophysis. इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, साथ ही साथ हम इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डोर्सल सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होती है एंड इज़ कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस विद हाइपोफाइसल स्टॉल्क। और ये जो है जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे जो है कनेक्टेड होती है एक स्टॉल्क के थ्रू, जिसे हम हाइपोफाइसल स्टॉल्क बोलते हैं। एंड अगर हम बात करें तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिसे सैला टर्सिका बोलते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से जो है कनेक्ट होती है बाय हाइपोफाइसल स्टॉल्क। देखिए इस इमेज में देखिए जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बोनी कैविटी में लोकेटेड है, जिसे हम बोलते हैं सैला टर्सिका, और जिस ये जो है हाइपोथैलेमस से जो है कनेक्टेड है बाय अ स्टॉल्क, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसल स्टॉल्क। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इसमें जो है हमारे जो है थ्री लोब्स में इसको डिवाइड किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है इसे टू लोब्स में ही बोला जाता है, बट अगर आप जो है जो अच्छी मेडिकल की बुक्स हैं अगर आप उनको स्टडी करोगे तो उसमें आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में भी थ्री लोब्स मिलेंगे। बट अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड लोब है डेट इज़ इंटरमीडिएट लोब, इसकी जो है ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ह्यूमंस में, तो इसी वजह से इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो अगर हम बात करें तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। बट जो हमारी इंटरमीडिएट लोब है इसके जो है ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और बहुत ही लिटिल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो जिसकी वजह से इसको जो है कुछ जो बुक्स हैं उनमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। आप इस इमेज में फिर से देख सकते हैं कि आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी क्या लोकेशन है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो है इन्फ्लुएंस होती है हाइपोथैलेमस से और डायरेक्टली अफेक्ट करती है जो फंक्शंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उनको। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, ये क्या करती है जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, इन्फ्लुएंस करती है वाटर एब्जॉर्प्शन को बाय द किडनी एंड कंट्रोल करती है सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शंस को। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी की, जो एंटीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की उसके क्या क्या वर्क होता है। सो द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रेट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो जैसे कि हम बात कर चुके हैं जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करता है, और जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हार्मोन्स को। सो अगर हम बात करें जो हमारी एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी की, वो सिक्रीट करती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हार्मोन्स को। तो ये जो लोब है ये सिक्रीट करते हैं और स्टोर करती है हार्मोन्स को, जैसे कि जो हमारी एंटीरियर लोब है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। सो अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, प्रोलैक्टिन को, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है और प्रोलैक्टिन है उसको छोड़कर एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ऑल द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर व्हाट दे आर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो अगर हम बात करें तो ये हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रहेंगे।
स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड जो हमारा ग्रोथ हॉर्मोन और प्रोलैक्टिन है, दीज आर जस्ट हॉर्मोन्स। नाउ बात कर लेते हैं ग्रोथ हॉर्मोन की, जिसे हम सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। इट इज़ सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो ग्रोथ हॉर्मोन है वो सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यू बाय हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन सेल साइज एंड हाइपर प्लेशिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। सो जो ग्रोथ हॉर्मोन है वो सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट करता है ये ग्रोथ को, जितने ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज़ बाय हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी में जो है जो सेल होते हैं उनका इंक्रीज़ हो जाता है साइज में, और हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ सेल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस प्रोलैक्टिन। सो ओके, जो ये प्रोलैक्टिन है, दिस इज़ आर सेकंड ग्रोथ हार्मोन के बाद हमारा जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दिस इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, सकिंग रिफ्लेक्स प्रमोट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड देयर बाय मिल्क प्रोडक्शन। सो जो मिल्क प्रोडक्शन में बेसिकली मदद करता है वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। नाउ पोस्टर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। सो जो पोस्टर लोब होती है पिट्यूटरी की, ये स्टोर करती है हॉर्मोन्स को सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, एंड द हॉर्मोन्स स्टोर्ड इंक्लूड ADH, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो पोस्टर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये क्या करती है, ये जो लोब होती है ये स्टोर करती है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं हॉर्मोन्स को उनको, एंड द हॉर्मोन्स स्टोर्ड उसमें कौन कौन सा हमारा आ जाता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, यानी कि ये ADH जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको और ऑक्सीटोसिन को जो है अपने अंदर स्टोर करके रखती है। नाउ अब बात कर लेते हैं थायरॉइड ग्लैंड की। सो जो थायरॉइड ग्लैंड है इज़ लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज। अगर हम थायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो ये जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो है लोकेटेड होती है। इसे हम जो है बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई शेप का होता है। लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड लाइज ऑन द साइड ऑफ द ट्रेके एंड लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉल कॉल्ड स्थेमस। जस्ट सी दिस इमेज, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है थायरॉइड ग्लैंड है। सो अगर हम थायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो है नेक रीजन में लोकेटेड है जस्ट बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड अगर हम इसकी जो है शेप की बात करें तो इट वॉज समथिंग लाइक अ बटरफ्लाई, जिस तरह से एक बटरफ्लाई होती है उस तरह से जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर है। सो इस तरह से हमारी एक बटरफ्लाई होती है। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक बटरफ्लाई की तरह जो है हमें दिखाई देता है। जो लोब्स होती हैं थायरॉइड ग्लैंड की वो लाई करती हैं ऑन द साइड्स ऑफ ट्रेकिया, और जो ये लोब्स हैं ये कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड स्थेमस। सो यहाँ पे जो है ये एक स्टॉक की मदद से जो है जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं स्थेमस। थायरॉइड इज द ओनली ग्लैंड विच सिंथेसाइजेज एंड स्टोर्स इट्स ओन सिक्रेशन एंड सिक्रेट इट इनटू द ब्लड व्हेनेवर नीडेड। सो अगर हम थायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो थायरॉइड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रेशंस को स्टोर करती है और उनको सिंथेसाइज करती है और जो है उनको सिक्रीट करती है जब भी ब्लड में जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो सिक्रेशंस होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के, अगर हम उनकी बात करें तो इससे जो है हमारे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डैट विल बी ट्राईआदोथायरोनिन, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। सो ये जो है तीन हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करती है, इसमें हमारा T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन आता है। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हम T3 को बोलते हैं, T4 को हम जो है टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन भी बोलते हैं और सिंपली थायरोक्सिन भी बोलते हैं। एंड जो हमारा तीसरा हार्मोन जो कि सिक्रीट करते हैं थायरॉइड ग्लैंड, दैट विल बी योर थायरोकैल्सिटोनिन। इस इमेज में आप और अच्छे से देख सकते हैं, दैट इज़ द थायरॉइड कार्टिलेज जिसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है दिखाई दे रही है, दिस इज़ आर थायरॉइड ग्लैंड एंड दिस इज़ द लैरिंग्स एंड दिस ऑल आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड, और यहाँ पर आपको जो है ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की. सो देयर आर फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड. अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो बेसिकली फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं. दे आर सीन नियर और एम्बेडेड इन द थायरॉयड ग्लैंड. अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो ये जो है एम्बेडेड होती है, यानी कि धसी हुई होती है थायरॉयड ग्लैंड के अंदर. हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड इज पैराथायरॉयड हॉर्मोन और पैराथॉर्मोन. अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स की बात करें जो कि सिक्रीट करती है, उसे हम पैराथायरॉयड हॉर्मोन और पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं. सो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी थायरॉयड ग्लैंड है, जिसके अंदर क्या है जो है हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है आपको दिखाई दे रही है. टोटल हमारी नंबर में फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है. दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4. और अगर हम इनको बात करें तो ये क्या होती हैं, ये एम्बेडेड होती है, यानी कि थोड़ी धसी हुई होती है थायरॉयड ग्लैंड के अंदर. और जो इनके हॉर्मोन्स जो कि सिक्रेट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उन्हें हम पैराथायरॉयड हॉर्मोन और पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं. नाउ अब बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की. सो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ पैनक्रियाज इज़ नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो आप सबको पता ही होगा कि जो हमारी पैनक्रियाज है वो दोनों तरह से वर्क करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी. सो यहाँ पर हम अभी एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें हम जो है एंडोक्राइन वाला पार्ट ही इंक्लूड करेंगे. सो जो एंडोक्राइन सिस्टम है पैनक्रियाज का, उसे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं. पैनक्रियाज जो है ये सिक्रेट करती है 3 टाइप ऑफ हॉर्मोन जो कि कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को. सो इसमें जो है कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन जो ये सिक्रेट करती है. सबसे पहले हमारी आती है अल्फ़ा सेल्स पैनक्रियास की, उसके बाद बीटा सेल्स और हमारी डेल्टा सेल्स. सो जो अल्फ़ा सेल्स है वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करती है, जो हमारी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और जो हमारी डेल्टा सेल्स है वो हमारा सोमैटोस्टेटिन हॉर्मोन को रिलीज़ करती है. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बस यही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है पैनक्रियास के बारे में. सो आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पैनक्रियास, जिसमें आपको ये जो है ये हमारा हेड ऑफ द पैनक्रियास है, दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ टेल ऑफ द पैनक्रियास. सो इस इमेज में आप और अच्छे से देख सकते हैं पैनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में. नाउ अब बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड की. सो अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो जो हमारी किडनी है उनके ऊपर ये जो है हमें दिखाई देती हैं, पेयर्ड होती हैं, क्योंकि हमारे पास दो किडनी हैं, तो क्या है दोनों किडनी के ऊपर जो है हमें एड्रिनल ग्लैंड दिखाई देती हैं. पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड अबाउ द किडनी लाइक अ कैप. सो अगर हम बात करें तो ये किसकी तरह होती है, जैसे एक कैप होती है पैन की, तो उसी की तरह से जो है जो हमारी किडनी है उनके ऊपर आपको जो है ये दिखाई देंगी. आप देख सकते हैं इस इमेज में ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, और किडनी के ऊपर ये जस्ट लाइक अ कैप इनकी जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है. आउटर रीजन ऑफ द ग्लैंड इज़ नोन एज कॉर्टेक्स. अगर हम इसके आउटर रीजन की बात करें, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो आउटर रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर रीजन है उसे हम मेडुला बोलते हैं. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं. सबसे पहला है जोना ग्लोमेरुलेसा, सेकंड वन इज़ जोला फैसिकुलेटा, एंड द थर्ड वन इज़ जोना रेटिकुलरिस. सो जो जोना ग्लोमेरुलेसा है वो सिक्रीट करता है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन को, जो जोना फैसिकुलेटा है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन को, और जो जोना रेटिकुलरिस है वो सिक्रीट करता है सेक्स हॉर्मोन्स को. सो अगर हम बात करें जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो किस तरह से जो है हमें दिखाई देती है, ये जो हमारी किडनी होती है उनके ऊपर हमें दिखाई देती है जस्ट लाइक अ कैप. एंड जो आउटर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर रीजन होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके फर्दर 3 रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस. जो जोना ग्लोमेरुलेसा है वो सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, जोना फैसिकुलेटा सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, और जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट करता है सेक्स हॉर्मोन्स को. उसके बाद हम बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला की. जो एड्रिनल मेडुला है वो सिक्रेट करता है कैटेकोलामाइंस को, सच एस एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन. सो जो एड्रिनल मेडुला है वो 2 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, जिन्हें हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं. सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो आपको दिखाई दे रही है. सो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे हमने
जब हम उसको देखते हैं तो उसका जो आउटर रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज़ द कॉर्टेक्स पार्ट, जिसे यहाँ पे कैप्सूल बोला गया है, दिस इज़ एडनल कॉर्टेक्स। एंड जो हमारा एडनल मेडुला है, दिस इज़ द पिंकिश कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका एडिनल मेडुला है। तो जो एडिनल मेडुला है वो किसको सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन को। और जो एडिनल कॉर्टेक्स है उसमें जो है थ्री रीजन्स पाए जाते हैं, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। इस इमेज में आप देख सकते हैं अगेन, सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, दिस इज़ आर एडिनल कॉर्टेक्स, दिस इज़ द एडिनल मेडुला जो कि रिलीज़ करता है कैटेकोलामाइंस को। कैटेकोलामाइंस में हमारा जो है एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन आ जाते हैं। एंड दिस इज़ प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और जो हमारी एडिनल कॉर्टेक्स है वो रिलीज़ करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।